अस्सलाम अलैकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं। आज मैं आपसे फुल डे रूटीन शेयर करने वाली हूँ। ये सुबह का वक्त था, आज शोहर जी का डे ऑफ था, तो मैंने बनाया था नाश्ता। तो नाश्ता यहाँ पर हम दोनों साथ कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, मैं नाश्ता नहीं करती हूँ, लेकिन जब शोहर जी घर होते हैं तो मुझे नाश्ता मस्ट करना पड़ता है। बच्चों को नाश्ते में हैवी खाने की बिल्कुल आदत नहीं है, तो मैंने पराठे के साथ चाय दिया था उन्हें। मां जा रहे बेटा, आप चाय रोटी जल्दी फिनिश करो जाके। शोहर जी का डे ऑफ था, तो मैंने जो है ना बच्चों के क्लासेस से भी ऑफ ले लिया था। तो बस हमारा नाश्ता आज लेट से हुआ है, बहुत हैवी हुआ है नाश्ता। बच्चों का तो सिंपल चाय पराठा उन्होंने खाया है। ये जोहर का वक्त था, 11:30 हो रहा था। शोहर जी और आसिम सलाह के लिए गए हुए थे, तो यहाँ पर थोड़ी सी चाय गिर गई थी, तो मैंने बस सुफरा को चेंज नहीं किया, मैं बस उसको क्लीन कर लिया। सलाह के बाद मैं आ गई किचन में, मुझे लंच बनाना था। लंच बहुत सिंपल सा मैंने सोचा हुआ था, दाल चावल साथ में सिंपल सी कोई भी सब्जी बनाने के लिए मैंने सोचा था। राइस को मैंने सोक कर लिया है, मिक्स्ड दाल मैं बना रही हूँ जो कि बहुत टेस्टी लगता है। मैं सिंपल तरीके से बनाती हूँ। तूर दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, चना दाल, मैंने ये सारे दालें लिए हैं। तो मैंने आज चार दालें लिए हैं। कभी कभी जब मेरे पास दालें नहीं होती है, जो मेरे पास दालें अवेलेबल होती है, मैं वही दाल से मिक्स दाल बना लेती हूँ। दाल को मैंने वॉश कर लिया है और सोक कर लिया है। दाल को सोक करने से ना कुकिंग का जो प्रोसेस है वो कम हो जाता है। लॉक कर लो बेटा, लॉक कर लो। दाल राइस को जैसे मैंने सोक किया, बस खाना बनाने वाली थी, फिर शोहर जी ने कहा कि चलो बाहर चलते हैं। मुझे कुछ चीजें चाहिए थे घर के लिए, कुछ चीजें चाहिए थे, वो मुझे सारे लेने थे। हम जा तो रहे थे बाहर, लेकिन कुछ ना कुछ हो रहा था, जैसे कि टायर पंचर हो जाना। मैं अगर फ्री हूँ तो शोहर जी बिजी रहते थे, शोहर जी अगर बिजी हैं तो मैं फ्री रहती थी। कुछ ना कुछ ऐसे हो रहा था। फाइनली उनका डे ऑफ था, फिर उनका मन बना मुझे बाहर ले आने का। ये था जैसे कि हमने नाश्ता लेट से किया हुआ था, बच्चों ने भी लेट से किया हुआ था। बच्चों ने जैसे कि चाय पराठे खाए हुए थे, मैंने एक्स्ट्रा पराठे, एक्स्ट्रा चाय और थोड़े से स्प्रेड स्नैक्स, ये सारी चीज़ें मैंने टेबल पर रख दी थी। तीनों में से मैंने सोचा कि एक को मैं लेती हूँ साथ, लेकिन तीनों में से कोई भी तैयार नहीं था हमारे साथ बाहर आना। ऐसा तो पॉसिबल नहीं। बकूर हम देख रहे थे, तो ये जो स्मेल थी ना बकूर की, बहुत स्ट्रांग थी, तो मैंने लिया नहीं। बस मैं चीज़ें देख रही थी, बहुत सारी वैरायटीज आई हुई थी, लेकिन ऐसा था कि कोई चीज़ मुझे पसंद नहीं आ रही थी। शोहर जी को ये ग्लास सेट पसंद आया था, तो वो उन्होंने लिया। मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही थी, तो बस मैं देख रही थी, बहुत सारी वैरायटीज ऑफ चीज़ें आई हुई थी। ये मुझे क्यूट सा लगा, मैंने इसको लिया, फिर उसके बाद मैंने इसको रख दिया, क्योंकि ये सोच के कि कलर इसका ब्लू था, अगर ये पिंक होता तो मैं लेती। एक घंटा मैंने यहाँ वहाँ चक्करें लगाई कि कोई चीज़ मुझे पसंद आती है, लेकिन कोई चीज़ मुझे पसंद नहीं आई। जो चीज़ मुझे पसंद आई वो ये मग्स थे, ये मैंने शोहर जी के लिए लिया है, ये मैंने अपने लिए लिया है। आयजा के लिए मुझे फ्रॉक्स पसंद आए थे, तो वो मैंने लिए। जैसे कि वहां मुझे कोई चीज पसंद नहीं आ रही थी, तो शोहर जी मुझे दूसरे स्टोर ले आए थे। मैं शर्ट देख रही थी, वो भी नहीं थे, तो फिर यहाँ पर कुर्तीस बहुत अच्छी थी, तो वो मैंने लिए।
बिलिंग करवाने के लिए हम जा रहे थे तो शौर जी की जो नज़र है वो इन वॉचेस में पड़ी। मेरे लिए ये वॉच देख रहे थे क्योंकि मैं एक ही वॉच यूज़ करती हूँ, वो है गोल्डन। वो मैं जब बाहर जाती हूँ तभी मैं यूज़ करती हूँ, रेगुलर मैं यूज़ नहीं कर पाती उसको। ये रेगुलर वॉच देख रहे थे जो कि मैं उसको हमेशा हाथ में पहन के रखूँ, तो ये स्क्रीन टच था, इनको बहुत पसंद आया, तो बस ये वॉच इन्होंने मेरे लिए लिया। अपने लिए वॉच ले ली और बच्चों के लिए जो है शौर जी बहुत सोच रहे थे। अब मेरे हाथ में पिंक वॉच देखेंगे तो मेरे जो दो लड़कियां हैं वो नहीं छोड़ेंगे, उनको भी चाहिए होगा। और वैसे भी मेरी लड़कियां के जो फेवरेट कलर्स है वो पिंक है, तो फिर शौर जी ने बच्चों के लिए भी वॉचेस ले ली। Moments later. ये 3:30 PM का टाइम था। असर की सलाह हमने अदा की, शौर्जी मस्जिद से खजूर और पानी ले आए थे। बस घर जा रहे थे, रास्ते में हमने अलबेग को देख लिया। तो वैसे भी हमने 3.5 से ज़्यादा महीना हो चुका है हमने अलबेग नहीं खाया था, जैसे कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही थी, थोड़ा सा मैं वेट लूज़ कर रही थी क्योंकि अलबेग में ना बहुत ज़्यादा कैलोरीज होते हैं, तो हम इसको अवॉइड कर रहे थे। शौर जी ने कहा कि अलबेग को लेते हैं। दाल चावल तो मैंने तो भिगो के रख दिया था, अब जाकर मैं बनाऊंगी, थोड़ा सा तो वक्त लगेगा, थोड़ा सा मैं अलबेग ले लूँगा, वही हम खाएंगे घर पहुँच करके। जो मैंने दाल और चावल सोख किया हुआ था, तो कहने लगे कि डिनर तुम आराम से बना लेना। तो ये था, फिर मैंने भी कहा चलें ठीक है। A few moments later. ये शाम का वक्त है, 6:10 हो रहा है, तो अभी जस्ट जो है ना मैंने मगरिब की सलाह अदा की है। मैंने अपने लिए जो है ना हॉट वाटर कॉफ़ी बना लिया है, जो कि इंस्टेंट वो होती है कॉफ़ी। तो ये रही मेरी कॉफ़ी। जब क्लासेस चलते हैं तो मुझे आयशा को खामोश बिठाना होता है, क्योंकि जो है ना अगर ये शोर मचाएंगे तो वहाँ आसिम और राना को डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इस वजह से तो मैं इनको यहाँ पर ले आई हूँ। और मैंने थोड़ी देर के लिए इनको कार्टून में अभी लगा के दी हूँ इनको, और तब तक जो है मैं अपनी कॉफ़ी पीऊँगी। बस थोड़ी देर में जो है ना शौहर जी आने वाले हैं, तो उससे पहले जो है ना मैं कॉफ़ी पी लूँगी। वो आ जाएंगे तो मैं बनाऊँगी उनके लिए ब्लैक कॉफ़ी। कॉफ़ी मैंने पी ली है, अब मैं जाऊँगी किचन में, फटाफट से जो है ना मैं बनाऊँगी डिनर। अब डिनर के लिए मैं वही बनाने वाली हूँ जब मैं बाहर जा रही थी दोपहर को। मैंने राइस और मिक्स दाल सोक किया हुआ था, मैं वही बनाने वाली हूँ। उसके साथ मैं कुछ भी नहीं बनाऊँगी एज ए सब्ज़ी, साइड डिश कुछ नहीं बनाऊँगी। अलबेक जो हमने लिया हुआ था वो बहुत सारा बचा हुआ है, तो बस मैं वही गरम करूँगी और दाल चावल के साथ हम अलबेक ही खाएँगे। तो ये जो बच्चे हैं टेबल के नीचे बैठे हुए हैं, मैं जैसे ही आई तो मुझे बस बच्चों की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने देखा कि बच्चे जो है ना टेबल के नीचे बैठे हुए हैं, दोनों क्लासेस में बैठे हुए हैं, साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि एक ही क्लास है उनकी, जो उनको दोनों को साथ बैठना है। इधर मैंने आसिम से पूछा कि आप टेबल के नीचे क्यों बैठे हुए हैं, दोनों अच्छी खासी तो प्लेस है, तो कहने लगी कि मामा हमारा जो टैबलेट है वो चार्ज नहीं है, तो मैं बस अभी चार्ज पे लगाया हूँ और हमारी क्लासेस चल रही हैं।
तो दोनों भी क्लासेस में बिजी रहते हैं और मैं किचन में बिजी होती हूँ, तो बहुत इनको होता है बोर। और मैं ऐसे ही करती हूँ कि मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ और इनके साथ में बैठती हूँ टॉयस लेकर के। सारे टॉयस यहाँ पर ना फैले पड़े थे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही सारा जो भी है ना मैंने क्लीन किया है और वैक्यूम किया। जब मैंने दाल को वॉश किया था तो साफ़ पानी में दाल को सोक किया था, तो वही पानी से मैं दाल बना रही हूँ। इसमें मैंने हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा, करी पत्ता, थोड़ा सा जो है ना ऑयल और टमाटर, ये सारी चीज़ें मैंने ऐड की हैं। एक मैंने मैगी का क्यूब ऐड किया है जो कि ऑप्शनल है, अगर आपके पास चिकन स्टॉक है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। राइस भी बहुत अच्छे तरीके से सोक हो चुका था, मैंने बहुत कम इसमें पानी ऐड किया, 1/2 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून घी, ये ऐड करके मैंने राइस कुकर को ऑन कर दिया। इमली का पानी मैं ऐड कर रही हूँ यानी टैमरिंड वाटर, जितना आपको खटास चाहिए उतना आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर टैमरिंड वाटर ऐड नहीं करना हो तो लेमन जूस ऐड कर सकते हैं, इससे भी जो है ना टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। टैमरिंड वाटर ऐड करके मैंने दाल को अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया, ऐसे करने से ये जो दाल में इमली की रॉ स्मेल आती है ना वो चली जाती है। A few moments later, 5 PM को हमने अलबेग बहुत लाइट से खाया हुआ था, ये सोचकर कि अगर हम हैवी खा लेंगे तो डिनर नहीं कर पाएंगे। वैसे भी हम डिनर बहुत जल्दी कर लेते हैं, तो डिनर भी हमारा हो चुका है, 8 बज रहा था अभी। ये मिनरल वाटर अभी आया हुआ था तो बस मैंने अंदर नहीं लिया, यहीं रख दिया है। बाहर जा रहे हैं अशोर जी को, अपने कार का जो है ना टायर को कम्प्लीटली चेंज करवाना था, तो बस वही सिलसिले में हम बाहर जा रहे हैं। लाइक शेयर जल्दी प्लास्टिक ले आओ, अभी फिलहाल ये ले लो। कार का काम करवा के हम पांडा आए हुए थे, मुझे कुछ फ्रूट्स लेने थे, जैसे कि मैं स्मूदी ज़्यादा बनाती हूँ तो मुझे फ्रूट्स ज़्यादा लगते हैं। एप्पल पे ना सारे वैक्स लगे हुए थे तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन से जो है ना मुझे लेने चाहिए, तो बस मुझे ग्रीन एप्पल सही लगा तो मैंने वही ले लिया। जैसे कि आपने देखा मेरी वॉच पे आना ने हमला किया हुआ था, आना को मेरी वॉच बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। आना ऐसे है ना कि जो भी मैं पहनती हूँ, जो भी मैं खरीदती हूँ, वो चीज़ें उनको बहुत पसंद आती हैं।
घर में मेरी चीज़ों पे जो हमला करते हैं वो आना करते हैं। अरे मैं टाइम चेंज कर दूँ, वेट वेट। अरे वाह, सोने से पहले मैं आ गई हूँ फिर से किचन में, क्योंकि मैं सोने के लिए गई थी, फिर मुझे ख्याल आया कि ब्रेकफास्ट की मैंने तैयारी नहीं की, तो अक्सर ऐसे ही होता है। तो ये मैं जो है ना कल सुबह बनाने वाली हूँ आलू के पराठे। तो मैंने लिया आलू को, मैंने ऐसे कट आठ कट्स लगा दिए हैं दो, तो ये सारे मैं प्रेशर कुक कर लूँगी, और जब ये आलू हल्के से ठंडा हो जाएगा ना, तो मैं सोने से पहले इसको फ्रिज में रख करके सोऊंगी, और सुबह जो है ना इसकी मैं स्टफिंग रेडी कर लूँगी। बड़ा इजी हो जाता है मुझे इस तरह करने से, आलू ख़राब नहीं होते हैं फ्रिज में रखने पे। ये तो मैं सारे आलू जो है ना कल ही मैं यूज़ कर लूँगी। सारे आलू को मैंने डाल लिया है, प्रेशर कुक करूँगी, दो से तीन मैं विजल लगा लूँगी, उसके बाद ये जाएगा फ्रिज में। नेक्स्ट मॉर्निंग, व्लॉग को मैं एंड करना चाह रही थी लेकिन मैंने एंड नहीं किया। फिर मैंने सोचा कि आज का यानी नेक्स्ट मॉर्निंग का जो रूटीन है टिफ़िन और लंच का, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। आज आलू के पराठे मैं बनाने वाली हूँ, तो आटा को मैंने गूंद लिया है, तो बस आटा मेरा सेट हो जाएगा 10 या 15 मिनट तक, तब तक जो है ना मैं आलू की स्टफिंग में रेडी कर लूँगी। स्टफिंग में मैंने सॉल्ट, थोड़ा सा पाव भाजी मसाला ऐड किया है, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। अगर आपके पास है तो आप भी ऐड करिएगा। अगर पाव भाजी मसाला नहीं है तो जीरा पाउडर, आमचूर या चाट मसाला भी आप ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी कसूरी मेथी मैंने ऐड किया था और चॉप किए हुए ग्रीन चिलीज और कोरिएंडर लीव्स, बस इतना ही। ये शौहर जी का लंच बॉक्स में पैक कर रही हूँ। एक मैंने आलू का पराठा दिया है, एक ही मैंने साथ में ऑमलेट दिया है, आलू के पराठे के साथ मैंने थोड़ा सा प्लेन योगर्ट दिया है। मेरे व्यूवर्स के कमेंट्स आते हैं जो भी मैं शौहर जी के लिए ब्रेकफास्ट और लंच में पैक करती हूँ, वो आपसे मैं करूँ शेयर। ये आलू की स्टफिंग थोड़ी सी बच गई थी, बच्चे जब जगेंगे तो मैं उन्हें बना करके दूँगी। अब ब्रेकफास्ट के लिए मैं मिक्स्ड फ्रूट ओट स्मूदी दे रही हूँ। स्मूदी के लिए 1 whole apple, थोड़े से बेरीज, 3 teaspoon इंस्टेंट ओट्स जिसको मैंने थोड़े से गर्म पानी में सोक किया हुआ था, 2 teaspoon कोकोनट पाउडर, अगर स्वीटनेस अगर चाहिए तो हनी या खजूर भी ऐड कर सकते हैं। ऐसे मेरे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जिन्हें सुबह उठ करके मेरी तरह ब्रेकफास्ट लंच ये सारी चीज़ें जो है ना पैक करनी होती है, साथ में स्नैक बॉक्स भी देना होता है, बच्चों के लिए बनानी होती है। मैं इसलिए शेयर करती हूँ आपसे ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। स्नैक में मैंने एक एप्पल दिया है, अभी ओट्स का चिवड़ा मुझे बनाना है, इंशाल्लाह उसकी रेसिपी मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगी। मैं अपने रूटीन वीडियोस इसलिए भी शेयर करती हूँ ताकि आप मेरे रूटीन वीडियोस देखकर आपको मोटिवेटेड फील हो। ये शौहर जी का मॉर्निंग ड्रिंक है, लुक वॉर्म वाटर में मैंने ऑर्गेनिक टर्मरिक पाउडर थोड़ा सा ऐड किया है, थोड़े से कलुंजी सीड्स ऐड किए हैं, थोड़े से अजवाइन सीड्स ऐड किए हैं। यहाँ पर मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय, एकदम कड़क वाली चाय मैं पीती हूँ, मुझे जो है ना थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग चाय पसंद है। बच्चों को मैंने नाश्ता सर्व कर दिया है, वही आलू पराठे के साथ मैंने उन्हें प्लेन योगर्ट दिया है, तो अभी मैं आज ब्रेकफास्ट करूँगी, वही आलू पराठा एक लूँगी, रायता और एक कप चाय दूँगी।
तो बस ये है। अभी ना मैं चाय को अलग तरीके से बना रही हूँ, आपसे मैं अभी शेयर करती हूँ। पहले मैंने 1 टीस्पून ब्राउन शुगर मैंने पॉट में ऐड किया, उसको अच्छे तरीके से मैंने मेल्ट कर लिया। पहले शुगर थोड़ा मेल्ट होने के बाद उसमें 1 कप मैंने, जितना मुझे चाय लगेगा उतना मैंने पानी ऐड किया है, और टी पाउडर मैंने ऐड किया है। थोड़ी सी इलायची पाउडर मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। और ये चाय वाली दूध, प्लेन मिल्क भी डाल सकते हैं। मैं चाय वाला मिल्क मैं यूज करती हूँ तो मैं वही ऐड कर रही हूँ। अब अच्छे तरीके से इसको मैं बॉईल कर लूंगी। आप इस तरीके से चाय बनाकर एक बार देखिएगा, आपको बेहद पसंद आएगी इंशाल्लाह। यहाँ पर मैं करने लगी हूँ नाश्ता। एक मैंने आलू पराठा लिया है, प्लेन योगर्ट, और साथ में मैंने ली है कड़क चाय। कल वाले रूटीन और आज वाले रूटीन में बस ये था। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।